पूरे गाजे बाजे के साथ जवान का ऑडियो लॉन्च हो चुका है। चेन्नई के श्री साई राम इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी त्यौहार की तरह 30 अगस्त को ये प्री रिलीज इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसमें शाहरुख खान समेत विजय सेतुपति, योगी बाबू, अनिरुद्ध रविचंद्रन, डायरेक्टर एटली और फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों ने शिरकत ली। इवेंट में सभी स्टार्स ने एक दूसरे के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। इसी बीच विजय सेतुपति ने मंच पर आकर कहा कि उन्हें शाहरुख खान से बदला लेने में सालों लग गए। वैसे तो जवान में कौन क्या किरदार निभाने वाला है इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय सेतुपति फिल्म में विलेन बने हैं। अपने काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए विजय ने बताया कि वो एक लड़की को पसंद करते थे और उस लड़की को शाहरुख खान पसंद थे, इसलिए विजय कभी उस लड़की से बात ही नहीं कर पाए। विजय ने बताया, जब मैं स्कूल में था उस वक्त मैं एक लड़की से प्यार करता था, मगर उस वक्त उसे पता नहीं था। हर जानू के पास एक राम तो होता ही है। विजय ने यहाँ अपनी फिल्म 96 का रेफरेंस दिया है, मगर वो लड़की शाहरुख खान से बहुत प्यार करती थी। मुझे इस बात का बदला लेने में इतने साल लग गए। मजाक में कही गई इस बात पर पहले तो शाहरुख हंसे, फिर उन्होंने विजय को जवाब भी दिया। शाहरुख ने कहा, यहाँ हर कोई तमिल में बात करता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब मेरे लिए अच्छी बातें ही बोलते होंगे। विजय सेतुपति को छोड़कर जो मेरे सामने लड़कियों की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ सर, आप अपना बदला तो ले सकते हैं लेकिन मेरी लड़कियों को मुझसे नहीं छीन सकते। शाहरुख की ये बात सुनते ही पूरे हॉल में लोग तालियां पीटने लगे। इसके बाद डायरेक्टर एटली ने भी शाहरुख के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बताया, कहा कि कैसे 13 साल पहले उन्होंने मन्नत के बाहर फोटो खिंचवाई थी और अब शाहरुख के साथ काम कर रहे हैं। एटली ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं डायरेक्टर शंकर के साथ मुंबई में फिल्म की शूटिंग कर रहा था, उस वक्त मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि हम शाहरुख के घर के बाहर शूट कर रहे हैं। उसने मुझसे मन्नत के गेट के बाहर फोटो खिंचवाने के लिए पोज देने को कहा। उस घटना के 13 साल बाद वो गेट मेरे लिए खुला और किंग खान ने खुद मुझे रिसीव करके कहा, वेलकम एटली सर। वैसे एटली की इस फिल्म को लेकर देश भर की जनता उत्साहित है। लोगों को उम्मीद है कि जवान पठान से भी तगड़ा परफॉर्म करेगी। मूवी में सुनील ग्रोवर, प्रिया मणि, नयनतारा, सानिया मल्होत्रा जैसे स्टार्स दिखेंगे। मूवी में दीपिका पादुकोण का कैमियो भी होगा। 31 अगस्त को जवान का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। फिल्म 7 सितंबर को थिएटर्स में उतारी जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी मेघना ने, मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।